अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्य सरकार के विरोध में ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वेच्छा से अपना 5 दिन तक का वेतन कटवाने के बाद भी सरकार सितंबर माह से कर्मचारियों के 2 दिन का वेतन काटने की बात कह रही है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनका मार्च का 15 दिन का वेतन भी रोक रखा है तथा महंगाई भत्ता भी सीज कर रखा है। इसलिए आज सभी कर्मचारी वर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट पर आकर रोष जताया तथा सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ज्ञापन लिखा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं COVID-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट, साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल। आज हमने राजस्थान सरकार के विरुद्ध जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है और कल जब माकन साहब का यहाँ दौरा होगा उनको भी हम ज्ञापन देंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार कर्मचारियों की कटौती पे कटौती करती जा रही है। आप ये देख लीजिए, कर्मचारी ने इस कोरोना काल के अंदर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, चाहे अधिकारी हो और चाहे कर्मचारी हो। और ये देख लीजिए, हमारा एक से एक कर्मचारी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का है चाहे शहरी क्षेत्र का है, लेकिन सरकार ने हमसे कहा था कि हमें आप वित्तीय स्थिति कमजोर है, आप हमें मदद करिए। हमारे कर्मचारियों ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का वेतन स्वेच्छा से दिया, उसके बावजूद सरकार ने हमारा 15 दिन का मार्च का वेतन रोक रखा है। और ये जो महंगाई भत्ता है वो सरकार ने फ्रीज कर रखा है, समर्पित अवकाश जो है उसको सरकार ने बंद कर रखा है। और सरकार ने एक टूल की फरमान जारी कर दिया इस महीने के सितंबर के महीने से सारे कर्मचारी अधिकारियों की 1 दिन की 2 दिन का वेतन कटेगा। तो अब आप देख लीजिए, कर्मचारियों की भी आखिर में बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनको भी कोरोना काल के अंदर अपना घर गृहस्थी चलानी है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं और सोनिया गांधी से हमने इसलिए ज्ञापन दिया है कि यह सरकार कांग्रेस की है, तो श्रीमती सोनिया गांधी इसमें हस्तक्षेप करें और गहलोत साहब के जितने भी जो आदेश जो कर्मचारियों के विरुद्ध निकल रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। कांति शर्मा, जिला अध्यक्ष, एकीकृत महासंघ, अजमेर।